छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने रायपुर के लाभांडी के अग्रसेन चौक के पास अंतरराष्ट्रीय टेनिस एकेडमी का निरीक्षण किया। इस मौके पर निर्माण कार्य जल्द पूर्ण करने के निर्देश ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को दिए। इस मौके पर एकेडमी के डिजाइन और अन्य विषयों पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश उन्होंने दिए। इस एकेडमी का निर्माण 17 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। प्रदेश के खिलाड़ियों को जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टेनिस अकादमी और स्टेडियम की सौगात मिलने जा रही है। राजधानी रायपुर के लाभांडी स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के पास 2 एकड़ में ये अकादमी बन रही है। इसका 70% कार्य पूरा भी हो चुका है। छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने अकादमी में निर्माण कार्य में तेजी लाने और मई माह तक निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश के साथ उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान महासचिव होरा ने एडमिन बिल्डिंग, टेनिस कोर्ट, वेटिंग रूम, रिसेप्शन, वीआईपी लॉज का निरीक्षण कर डिजाइन और निर्माण कार्यों पर चर्चा की। इस दौरान महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि इस एकेडमी का निर्माण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके बनने से प्रदेश के खिलाड़ियों को टेनिस खेलने और सीखने में काफी मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ राज्य टेनिस संघ के पदाधिकारी, कार्यकारी अध्यक्ष अवतार जुनेजा जी, सुनील सुराना जी, रुपेन चौहान जी, निकेत जीता जी, हमारी पूरी टीम जो टेनिस की है उसने आज यहाँ स्टेडियम में आके उन कार्यों का निरीक्षण किया कि खेलने के दौरान कोई तकलीफ ना आए, और हम खिलाड़ियों के साथ, पदाधिकारियों के साथ, कोच मैनेजर को लेकर आज इंस्पेक्शन किए हैं, और पीडब्ल्यूडी के हमारे विशाल जी के साथ पूरा एक एक पॉइंट को देखा है। लाइट कैसे लग रही है, कोई ईस्ट वेस्ट तो नहीं हो रहा है, खिलाड़ी जिधर खेलेगा उधर रोशनी तो नहीं आ रही है, तो सब चीज़ों को देखते हुए सर सुविधा। और बीच में एक टीम हमारे साथ दिल्ली में भी दौरा की थी, आरके खन्ना स्टेडियम को भी देखने हम लोग गए थे साथ में, और वहाँ पे काफ़ी लोगों ने सहयोग किया था। कुछ कुछ बारीकियाँ जो हमको स्टेडियम बनने के बाद ना मिले, कुछ कुछ चेंजेस अभी हुए हैं, उसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने ये किया है। माननीय भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं और टेनिस संघ के भी वो अध्यक्ष हैं, उनके मार्गदर्शन में सर सुविधायुक्त उनके कार्यकाल का ये अद्वितीय और स्वर्णिम स्टेडियम बनने जा रहा है, और बहुत विश्वास है हमें कि खेलों की दिशा में मुख्यमंत्री का सराहनीय प्रयास है। अभी आकर्षी कश्यप, जो कि हमारी बैडमिंटन की खिलाड़ी, हमारे क्लब में ही खेलती थी, उसको मुख्यमंत्री जी ने DSP की नौकरी दे दी है। हम सारे खिलाड़ियों ने मिलकर आज उनको धन्यवाद भी ज्ञापित किया है कि छत्तीसगढ़ में खेलों में जो रुझान आया है और जो नौकरियां मिल रही हैं, जो उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित हो रहे हैं और जिनको काम मिल रहा है, उस दिशा में ये स्टेडियम भी स्वर्णिम पत्थर साबित होगा, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे खिलाड़ी यहाँ से सीख के छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे। ऐसे कितने की लागत में बन रहा है ये स्टेडियम? 18 से 20 करोड़ की लागत है इसकी, और उसके बीच में पूर्ण हो जाए। और बैठने की व्यवस्था कितने लोगों की है? 2000 लोगों की बैठने की व्यवस्था है यहाँ पर। लाइटिंग व्यवस्था को भी लेकर विद्युत ठेकेदार से छत्तीसगढ़ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने निरीक्षण के दौरान चर्चा की। इस मौके पर होरा ने आवश्यक निर्देश देते हुए एकेडमी में लाइटिंग व्यवस्था को लेकर ठेकेदार से चर्चा की। ठेकेदार ने बताया कि बेहतरीन क्वालिटी की लाइटिंग व्यवस्था सबको यहाँ पर देखने मिलेगी और खिलाड़ियों को इसका लाभ भी मिलेगा। टेनिस अकादमी में यूजली यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्था लाइट की गई, जिससे कि खेलने में हमारे इसका स्तर का और हमारे छत्तीसगढ़ का सम्मान जिसमें बढ़े, इतनी अच्छी यहाँ लाइट व्यवस्था की जा रही है। बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टेनिस एकेडमी और स्टेडियम की सौगात मिल जाने से खिलाड़ियों को इसका लाभ मिलेगा और खेल के स्तर में वे और आगे बढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज।